ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पांव? कान होते हैं, बहुत नहीं होते, कान होते हैं, सरमा होते हैं, उल्लू, वो बगला, बगला नहीं, बगला बगला नहीं, पानी में खड़ा होता है नहीं। पॉलिटिकल पर्सन जितने भी होते हैं पागल ही होते हैं, उनके सर पे पांव ही होते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। टैलेंट है आप में? मेरा बॉक्सिंग टैलेंट है। फिटनेस वगैरह करे? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल गया। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इरम और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है बरकत मार्केट में। आज का हमारा सवाल है, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? तो जानते हैं आवाम सुन के मजे मजे के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अफनान। आपका? अली। अली क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कॉमन सेंस के? थोड़ा बहुत तो है। स्टूडेंट किस चीज़ के? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। मुझे बताएं ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? जिसके सर पर पाँव होते हैं? नहीं ये तो नहीं पता। सोचो। कोई हिंट दे दें आप। हिंट हो तो मैं बताना देती। आप बताएं। क्वेश्चन क्या था आपका? ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव होते हैं? नहीं उसका नहीं पता। सोचे। आप हिंट भी नहीं ना दे रही तो मतलब कैसे? मैं हिंट होता मैं आपको बता देती। आसान है इतना। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा ऐसा परिंदा। नो आईडिया। देखा? नहीं। कोई टैलेंट है आप में? नहीं मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं। कोई गाना आता है? गाना इन भाई को बहुत अच्छा नहीं, आता है। शेर आता है? शेर हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हफ्सा। क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास? 8। कॉमन सेंस कितनी है? नॉर्मल 50-50। 50-50। मुझे बताओ ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव होते हैं? उल्लू? नहीं। परिंदा ऐसा है ही नहीं। है परिंदा ही यार। कौन सा परिंदा जो जिसके सर पे पाँव होते? सर पे पाँव होते हैं। कोई टैलेंट है आप? नहीं। कोई गाना आता है? आता है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। सुना दो मुझे, अच्छी लगी। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चेनारों जैसी, चन के सन्नाटों में तू वीरा के तारों जैसी, सदियों से भी लंबी ये मन की आँबा बरसे हैं, और तू फुलझड़ियों जैसे सितारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा बंदी बसे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल कफीर। क्या करते हैं? स्टूडेंट। मुझे बताओ ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? ऐसा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करें? ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? जिसके सर पे पाँव होते हैं, ऐसे कोई परिंदे का कोई आइडिया नहीं। सोचो। सर पे पाँव, तो क्वेश्चन के सर पे पाँव वाले हो तो सोचते ही रह गए। फिर क्या हुआ वो? फिर वो सींग हो गए ना वो? नहीं। क्या हो गया? क्या होता है वो? पाँव का मतलब ये ना कि वो पाँव जो होते हैं वो बॉडी के जो नीचे वाला हिस्सा होता है। ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? ऐसा कौन सा परिंदा? ऐसा कोई परिंदा नहीं है। ऐसा कोई परिंदा नहीं है। तो आप बताओ। अगर मैं क्यों बताऊँ? मैं तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप क्यों बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? नहीं तो आप नहीं बता रही, मैं क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगी तो आप नहीं बताओगे? नहीं मैं भी नहीं बताऊँगा। क्यों? बस आप नहीं बता रही तो वजह से। गाना आता है? नहीं। शेर आता है? नहीं। चलो फिर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निहाल। क्या करते हैं? मैं मिक्स मार्शल आर्ट खेलता हूँ। स्टडी कितनी की है? स्टडी मैंने की है BA। कॉमन सेंस कितनी है? कॉमन सेंस है थोड़ी बहुत है, 75% है तकरीबन। अच्छा मुझे बताया ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? जिसके सर पर पाँव होते हैं? कान होते हैं, पाँव तो नहीं होते, कान होते हैं। सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव होते हैं, वो बगला, बगला नहीं, बगला बगला पानी में खड़ा होता है? नहीं।
नहीं टैलेंट है आप में? मेरा बॉक्सिंग टैलेंट है। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे? बस न्यू जनरेशन गई है, बॉक्सिंग वगैरह खेले, क्रिकेट वगैरह खेले, फिटनेस करें, करके दिखाएं, फिटनेस वगैरह करें। अच्छा, फिटनेस वगैरह करें, बस स्पोर्ट्स में आगे आए। अच्छा अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में, काफ़ी टैलेंट आया पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बेस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिर। आपका? आपका? अशीम। क्या कहते? मैं स्टूडेंट हूँ जी। किस चीज़? मैं BS एनवायरमेंटल साइंसेज की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुझे बताएं ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? हर परिंदे के सर पर पाँव होते हैं, तीनों हर परिंदे के सर पर पाँव होते हैं तो हमारे अंदर है का। ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पर पाँव होते हैं? जिसके सर पर पाँव होते हैं, सर पर ताज सुना हुआ है। मुझे थोड़ा सा हिंट दें आप, हिंट ही दे सकते हैं। हाँ, एक मिनट सोचने दें, थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। नहीं, हमारे जहन में तो कोई नहीं आ रहा। ड्यूरिंग फ्लाई या जब वो चल रहा होता है तब भी? एक परिंदा है। ओवरऑल उसके होते ही सर पे पाँव है? नहीं नहीं, मतलब जब उड़ता है तो उसका एक और पोजीशन होती है, जब बैठता है तो उसकी और। तो आप कौन? नहीं, उसके सर पे ऐसा कौन सा परिंदा जिसके सर पे पाँव होते हैं? नहीं, अभी हमारे जहन में तो नहीं आ रहा। एक मिनट, कोई ना कोई होगा सर। है सही ना? ठीक है, एशिया में पाया जाता है। मतलब ये बताया ना, एशिया में, यूरोप में? नहीं नहीं, इधर ही है, हर जगह ही परिंदा है। एक परिंदा है। पागल? नहीं। पागल जिसके सर पे पागल परिंदा है। ए, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पर्सन जितने भी होते हैं पागल परिंदे ही होते हैं, उनके सर पे पाँव ही होते हैं। अच्छा, क्या तो हो सकता है यार? क्या खलाई मखलूक है वो पॉलिटिकल जितने भी होते हैं? एक मिनट, सर पे पाँव होते हैं? ये हमारे बस का नहीं है। नहीं नहीं, है हमारे बस का, हम ढूंढेंगे इसका हल। सर पे पाँव होते हैं मतलब? नहीं, अब मुझे जहाँ तक लग रहा है वो परिंदा तो नहीं है। ऐसे कोई हिंट आप दे रहे हैं? परिंदा नहीं है ये, परिंदा ही है। सर पे पाँव यार कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा तो हिंट दे ना, कोई टैलेंट का हिंट है ही नहीं। कोई टैलेंट है? क्या टैलेंट है आप में? मैं एक अच्छा एथलीट हूँ। क्या हो? अच्छा एथलीट हूँ। अच्छा, निकालो कुछ है, कोई टैलेंट अपना निकालो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। हो गया, मतलब अभी मैं ऑन द स्पॉट कभी मतलब गाया नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम। थैंक यू। आप अभी परिंदा तो बताएं। मैं क्यों बताऊं, वीडियो के लास्ट में बताऊं। चले ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम, हमने की लोगों से मज़े मज़े की बातें, और आज का हमारा जो सवाल था, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? तो वो हर परिंदे के सर पर पाँव होते हैं, हर परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं। तो आज का हमारा ये था जवाब, और बाकी आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बानी रमजुट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।